नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। महायुति सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री लाडली बहन चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गई है। इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक ऐसे भी अटकलें हैं कि ये योजना बंद हो जाएगी। वहीं इसे लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए जानते हैं विपक्ष के झूठे आरोप पर सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा। एक ही एजेंडा है, झूठ बोलना, झूठा नैरेटिव फैलाना। अभी इंडस्ट्री दूसरे जगह जा रहे हैं। कल ही हम सेमीकंडक्टर के एक इंडस्ट्री का ओपनिंग किया और सेमीकंडक्टर हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास सोलर इंडस्ट्री आ रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री आ रही है। 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। पिछले एक महीने में 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। स्टील इंडस्ट्री आ रही है। अभी ये तो छोड़ो, गढ़चिरौली तक में, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में भी इंडस्ट्री जा रही है। इसका मतलब है कि ये हमारा राज्य जो इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार एक विचार के, सिमिलर विचारधारा के होने की वजह से वहाँ से सपोर्ट मिलता है। और इसलिए ये सब फेक नैरेटिव फैलाने का काम ये विपक्ष करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उनको एक डर पैदा हुआ है कि अब हम कहीं के नहीं रहेंगे, और इसलिए लाडली बहना को विरोध किया है। किसने विरोध किया? इधर ये नागपुर का ही कोर्ट में गया है। और परलीवार कौन है आपको मालूम है? कल सुनील केदार जी ने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद ये मुख्यमंत्री लाडली बहना बंद करेंगे। ये तो जज पेट में है जब जबान पे आता है। और ये हमारी जितनी योजना है, युवा प्रशिक्षण योजना है, किसान बिजली माफ योजना है, 3 गैस सिलेंडर देने की योजना है, ये हायर एजुकेशन मुफ्त में देने की योजना है, इससे विपक्ष एकदम तिलमिला गया है, डर गया है। और इसलिए ऐसी झूठ फरेब ये नैरेटिव फैला के वो लोगों को डराना चाहते, लेकिन एक ही बार फंसा सकते, दोबारा नहीं।